राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। और यहाँ पर शाम का टाइम है और देख सकते हैं मैं क्या करने में लगी हूँ, क्योंकि अब बहुत ही करीब आ गया है कृष्ण जन्माष्टमी, तो उसी का तैयारी कर रही हूँ और उसी की तैयारी में लग गई हूँ। क्योंकि समय मिलेगा कि नहीं, बन पाएगा कि नहीं, तो पहले से थोड़ा थोड़ा एक एक करके सभी चीज़ें हमको तैयार करना है। तो यहाँ पर आज बना रही हूँ मैं नंद महल, तो नंद महल देख सकते हैं हमारा तैयार हो चुका है। और पीछे नंद महल के ऊपर जो है झूला है कान्हा का, तो फिर हमने ऑर्डर कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ अपने हाथों से तैयार करना है हमें। तो फिर अब नंद महल का ये दरवाज़ा देख सकते हैं, अंदर से खुलेगा, बस ऐसे ही आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर ये तो तैयार है और झूला भी हमारा तैयार है, देख सकते हैं। छोटे से हमारे कन्हैया जी हैं तो छोटा सा ही उनके लिए हमने झूला भी तैयार कर दिया है, और इसको और भी डेकोरेट करना है तो फिर कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही कर दिए हैं। और यहाँ पर सौरभ का जन्मदिन है, तो फिर जन्मदिन मनाने के बाद और यहाँ आया है, गांव के घर पे मनाया था जन्मदिन, और यहाँ हमें केक खिला रहा है, क्योंकि हम नहीं गए थे वहाँ पर, केक वगैरह कट रहा था। और हम नहाने के बाद पूजा में लग गए, शाम का दिया बत्ती करना था और सौरभ जिद कर रहा था पर गए नहीं थे। यहाँ पर अपने पापा को भी केक खिलाने के बाद उनका भी आशीर्वाद ले लिया, और भाभी को अपने खिलाने गया था। तो फिर वहाँ से अब वहाँ का क्लिप हमने बस उतना ही लिया था, और ये मॉर्निंग का क्लिप है। और देख सकते हैं हमारे मिट्टी के रसोई घर का क्या हाल हो गया है, तो इसका करना है लिपाई पुताई, अच्छे से इसका साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का जितना भी डेकोरेशन है, जो भी कुछ हमको छोटी मोटी तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ इसी में हम करेंगे। क्योंकि एक साइड है भी, और थोड़ा सा जैसे किसी का आना जाना नहीं रहेगा, बीच में नहीं रहेगा, तो बस इसीलिए। और अगर जहाँ हमारा मंदिर है वहाँ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जगह भी कवर हो जाएगा, और किचन है तो फिर किचन में थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इसलिए यहाँ भी चूल्हा है, तो चूल्हा तो एक साइड है हमारा कोने में, लेकिन अब यहाँ लिपाई पुताई कर देंगे अच्छे से तो पूरा जगह खाली ही रहेगा, क्योंकि चूल्हे पे खाना कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगा बनना। और वैसे भी इस टाइम पे चूल्हे पे खाना बन नहीं रहा है, बहू बना रही है तो फिर गैस पे ही बनाती है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो बच्चे हैं बस गैस पे बना लेते हैं तो फिर हो जा ठीक, थोड़ा आराम भी रहता है उनको। और यहाँ लिपाई पुताई कर रहे हैं लाल मिट्टी और गोबर से, तो देख सकते हैं काफ़ी जब से ये हमारा मिट्टी का रसोई घर तैयार हुआ है, तब से हम कभी भी लाल मिट्टी और गोबर से लिपाई नहीं किए थे, क्योंकि सोच तो रहे थे कई बार कि इसमें अच्छे से लिपाई पुताई करना है, इसको तैयार करना है, पर टाइम नहीं निकाल पाते थे लिपाई पुताई का। और काफ़ी दिन बाद लिपाई पुताई आज कर भी रहे हैं, तो फिर हमने कहा कि अब जन्माष्टमी करीब आ गया है, तो फिर थोड़ा बहुत अपना जो भी तैयारी है हमारा जन्माष्टमी का, साफ़ सफाई, लिपाई पुताई और जो भी कुछ हमको बनाना है, तो फिर जन्माष्टमी के दिन के लिए, तो फिर उसको भी धीरे धीरे समय निकाल कर तैयार करना ही होगा, तभी हो पाएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी फ्रेंड्स, तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो फिर देख सकते हैं इधर का दीवार, जहाँ तक हम मिट्टी से लिपाई पुताई किए थे वहाँ का हमने ऊपर का लिपाई पुताई कर दिया है, और नीचे का अब जो है उसको भी हमने लिपाई करते हुए अब यहाँ चूल्हे तक आ चुके हैं, तो फिर अब मैं यहाँ से बाहर सीधे निकल जाएंगे पुताई करते हुए। और काफ़ी ज़्यादा चूहे लोग इसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा बड़े बड़े से जैसे गड्ढे से हो गए थे, और इसको हमने सही कर दिया है मिट्टी वगैरह पाट कर। और अब यहाँ पर बाहर का जो है, अंदर से लिपाई तो हो चुका है पर बाहर से दीवार अभी लिपाई नहीं हुआ है, तो फिर इसका बाहर से भी थोड़ा सा लिपाई कर देंगे। तो देख सकते हैं क्योंकि नीचे के टाइप नीचे की तरफ काई लग गया है, तो फिर थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगेगा। और वैसे अभी तो लिपाई कर रहे हैं, अगर समय मिलेगा तो फिर जन्माष्टमी के एक दिन पहले ही लिपाई फिर से कर देंगे, अगर टाइम मिलेगा तो।
तो पहले से अभी साफ़ सफाई ज़रूरी है, क्योंकि समय मिले या ना मिले तो अपना काम पहले से अगर रहता है तो सही रहता है। तो इसीलिए हमने कहा कि जन्माष्टमी का तैयारी अभी से शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे जो भी है सारी तैयारी हो जाएगा। और यहाँ पर बाहर का दीवार भी हमारा अच्छे से तय हो चुका है, लेकिन पूरा जो आंगन है सभी का लिपाई करना है, जो बरामदे तक जहाँ बेड वगैरह रखे हैं तो सबका लिपाई करेंगे। और देख सकते हैं जो खटिया वगैरह लगा हुआ था, सभी लोग बैठे थे, उसको हम हटा दिए हैं खटिया को, और यहाँ से लिपाई करते हुए पूरा सामने तक जाएंगे। पर यहाँ पर कैमरा सेट करने का जगह अच्छे से नहीं मिला मुझे, तो बस जो भी थोड़ा थोड़ा लिपाई का ही क्लिप दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि कई सारी बहनों का कमेंट आता है अगर लिपाई का ब्लॉग होता है तो कि लिपाई का जो भी क्लिप है वो एकदम क्लियर दिखाया कीजिए, क्योंकि अच्छे से दिखता नहीं है। तो फिर इसीलिए हमने कहा बस नीचे का जो लिपाई पुताई का है वही कम से कम आप लोगों तक अच्छे से दिखे। तो फिर और इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा गोबर है और लाल मिट्टी है थोड़ा सा, तो बस इसी से हम लिपाई कर दे रहे हैं। और इसका लिपाई जो होता है पुताई तो काफ़ी समय तक रहता है, जैसे 1 महीने तो बहुत आराम से चलता है, इसका कलर थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता है, जैसे पता चलता रहता है कि यहाँ पे पुताई वगैरह हुआ है। और यहाँ जो देख सकते हैं बरामदे का ये पुताई हम कर रहे हैं, तो सनी के शादी में ही, यहाँ का शादी के पहले ही हम यहाँ पुताई वगैरह किए थे, तभी का यहाँ पुताई हुआ है। और उसके बाद से बारिश वगैरह होने लगे तो फिर यहाँ पुताई उताई नहीं किए थे, क्योंकि यहीं पर खटिया रहता है, बेड रहता है, तो फिर उठना बैठना। लिपाई पुताई के बाद फिर से हमारा पूजा वगैरह भी हो चुका, और खाना पीना खाने के बाद बस हमने कहा वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं, वीडियो का कर लेते हैं एंड, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ों की गर्मी है और बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ की जो भी धान की खेती है सभी खेते सूख रहे हैं, धान वगैरह, तो फिर बहुत ज़्यादा पानी का ज़रूरत है, बारिश के पानी का, पर बारिश हो नहीं रहा है, गर्मी काफ़ी तेज़ है, तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं बारिश कब तक होता है, क्योंकि हो सकता है जन्माष्टमी तक बारिश हो। तो फिर चलते हैं और वीडियो का कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।